अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं पिज्ज़ा पराठा, जिसमें कि सब्ज़ी का भी स्वाद आ जाएगा और पराठे का भी और पिज्ज़े का भी। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगा। तो चलो बनाते हैं फटाफट से। किचन में आ गए हम, तो हम लिए आधा किलो आटा, उसके बाद लिए शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च और ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स और नमक और लिए टमाटो केचप और घी। सारी चीज़ों को ले लियो। अच्छी चीज़ अभी हम रखी हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत है, पिघल जाएगी। तो चलो सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो आटे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। 500 ग्राम आटा यानी आधा किलो आटा ली हूँ, उसमें हम 2 चम्मच डाल दे रहे हैं देसी घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप तेल डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसे मिला लेंगे हाथ से। देखो, इसे हाथ से अच्छे से मिला लेना है, ताकि हर जगह आटा आटे में पहुँच जाए नमक और घी। तभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नॉर्मल पानी ली हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, सुबह का ब्रेकफास्ट भी के लिए हो सकता है। बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलो देखो, हमारा आटा बातों बातों में आटा हमारा गूंद के रोटी हो गया। आवाज़ तड़का आटा पे हम लगा दें थोड़ा से घी, तेल या घी कुछ भी लगा के इसको ढक कर रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद पकाएंगे। तो 15-20 मिनट हमें हो गए हैं गाइस, तब इसको जल्दी बनाने। तो थोड़ा हम बड़ी सी लोई तोड़ेंगे, इसको एक बड़ा सा गोला के बराबर लूँगी, इसको ऐसे हाथ पे गोल गोल करेंगे, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। अभी हम सुबह का टाइम, संडे के दिन बना रहे हैं। संडे में हमारे बच्चे बोले मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, तो हम बोले चलो बना देते हैं, आज हम पिज्ज़ा पराठा ही बना देते हैं। तो हम बनाना शुरू कर दिए फटाफट से। सारी चीज़ें तो घर में रहती ही हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, उसके बाद इसको हम बेलेंगे। देखो, इसमें सूखा आटा लगा लिया, लगा के इसको अच्छे से बेलना है। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा हल्का सा मोटा बेलना है। तो चलो इसे चंगेली बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम बेलते हैं। हम इसी काउंटर पर ही साफ करके इसी पर रोटी हम बेल लेते हैं, क्योंकि हमें इस पर अच्छा लगता है बेलने में। हम पतला नहीं लेते हैं, ना कुछ बिछाते हैं इसके ऊपर। ऐसे ही साफ करके अच्छे धो के इसमें इसी में हम रोटी बना लेते हैं। देखो कितने मस्त बेलने में आ रहा है इसमें। तो इसको फटाफट से हम बेल लेते हैं। तो देखो, मोटे से थोड़ा बेलेंगे, ज़्यादा पतली नहीं बेलें। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम टमाटो केचप। आपके पास सेजवान चटनी हो तो आप सेजवान चटनी लगा सकते हैं। हम इसमें टमाटो केचप लगा रहे हैं। उसके बाद इसमें देखो, बीच में इसे अच्छे से लगा देना है। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए, ये बिल्कुल फ्री है। और कुछ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। चलो, इस पर हम सॉस लगा चुके बातों बात में। सॉस हमारा लग के रेडी हो गया। अब इस पर हम डाल दें प्याज कटी बारीक, ज़्यादा मोटा मोटा मत काटना, बारीक ही काटना, क्योंकि रोटी बेलने में ना फिर फट जाती है। अब इसमें डाल दे रहे हैं हम हरी मिर्च थोड़ी सी, आप चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं। इसमें हरी मिर्च डाली हूँ काट के। उसके बाद डाल दे रहे हैं इसमें हम शिमला मिर्च। देखो, शिमला मिर्च को इसे लगा दे रहे हैं, फिर भी बड़ी कट गई है शिमला मिर्च। उसके बाद इसमें देखो, इसे हल्के से हम प्याज और डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमें कम लग रही थी, तो इसमें थोड़ा और डाल दें। खूब भर भर के बनाना है हमें पराठे को, पिज्ज़ा पराठा। दो सारी चीज़ इसमें डाल दिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और नमक, सब चीज़ डालेंगे इसमें फटाफट से। सबसे पहले डाल दे रहे हैं थोड़ा सा नमक, बस थोड़े डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा डालना है, ताकि नमक का भी स्वाद आए, नहीं तो फीका फीका सा लगेगा। तो नमक डाल दिए। उसके बाद इसमें हम सारी चीज़ डालने के बाद इस पर डाल दे रहे हैं हम चीज़। तो ये हम स्लाइस चीज़ लिए, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। तो इसको इसे खोल रहे, जल्दी से खोलती नहीं यार, फटाफट देखो खोल गए। इसको इसे पूरे से बिछा देंगे, ऊपर ही डाल देंगे इसके। देखो, इसको इसे डाल दिए। डालने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो चलो, इसको हम फटाफट से फोल्ड करते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया, इसको लगा दे रहे हैं इसको रख के साइड में, इसको फोल्ड करते हैं। तो पहले सामने से साइड से आगे कुछ फोल्ड कर देंगे, ऐसे हल्का प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। उसके बाद इस तरफ से चारों तरफ से इसको हमें बंद करना है, बस इतना ही करना है। देखो, चारों तरफ से ये बंद हो गया। अच्छे से इसको चिपका देना, नहीं कहीं खुल जाए बेलने पे या सेकने में। तो इसको अच्छे से चिपका देना है, चिपका, देखो अच्छे से चिपक गया ना। अब इसमें हम लगाएंगे सूखा आटा, फिर इसको हम बेलेंगे। इसको आराम से उठा लेंगे,
देखो आराम से, बहुत आराम से उठाना, नहीं कहीं फट उठ जाए नीचे से। तो इसमें हम सूखा आटा थोड़ा सा छिड़क देंगे। गेहूँ काटा है, ये हेल्थी होता है, मैदे से नहीं बना रही हूँ। अब इसको डाल दिए हैं, इसी पे से हम इसको बेलन से बेल देंगे। बहुत आराम से बेलने में आ जाता है, कोई परेशानी नहीं होती बनाने में, और बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा, या अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में बना के दोगे तो बहुत ही खुश होंगे, बहुत अच्छा लगता है ये पराठा। देखो फटाफट से इसको हम बेल लेते हैं। गर्मी बहुत है यार, गर्मी से कुछ करने का मन नहीं करता। वीडियो किसी तरह बनाते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं हम ही जानते हैं, आप लोग तो भी बनाते होंगे, पता होगा कितनी गर्मी लगती है। गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश तो हो नहीं रही है, बस खाली गर्मी गर्मी गर्मी, बस थोड़ा बारिश हो के बंद हो जाती है, ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। देखो पराठा हमारा बेल के तैयार हो गया। अब हम लगा रहे हैं फ्राई पैन लिए हैं, तावा हमारा मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, कहीं बेड में चला गया या कहीं रख हुआ। अभी मकान में शिफ्ट हुए ना तो हमारा सामान इधर उधर सब हो गया, अभी कोई चीज़ हम ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। तो हम सोचे चलो फ्राई पैन में ही बना लेते हैं, नॉन स्टिक है तो ही है, इसमें चिपकेगा ही नहीं। तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल दिए हैं, आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, घी भी अच्छा लगेगा बटर भी, दोनों जो आपके पास हो। तो इसको डाल दिए, गैस को थोड़ा धीमी कर देंगे, धीमी गैस पकाएंगे तो अच्छा पकेगा, सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, नहीं तो कच्चा रह जाएगा अंदर से। धीमी धीमी गैस पकाएंगे तो अच्छा रहेगा। तब इसमें देखो हम घी डाल दे रहे हैं चारों तरफ से, ताकि नीचे तक अच्छे से पके, एकदम गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। और चलो दूसरा ही बना के तैयार हम कर लेते हैं, जब तक वो पक रहा है जब तक हम दूसरा बना लेते हैं। तो देखो दूसरी रोटी हम बेल रहे हैं फटाफट से, तो ये भी रोटी हमारी बेल के रेडी हो गई। उधर हमारा पराठा भी सेक रहा है, देखो इसको हम चलते हैं पलटी करते हैं दूसरी साइड से कर देंगे। तो चलो पहले इसको तैयार कर लेते हैं, जब तक अभी वो पका नहीं है उसको चेक कर लिए हैं, अभी थोड़ा ब्राउन कम हुआ इसलिए अभी हम उसको पलटेंगे नहीं। तो दूसरे वाले को हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से, इसमें भी सब्जियाँ सारी डाल दे रहे हैं। जिस तरीके से उसको बनाना है उसी तरह से, ब्लू सेम उसी तरह से हमें इसको भी बना लेना है। बस तो हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे बनाना है या कि कैसे डालना है। फटाफट से इसे डाल देंगे सारी चीज़ें, देखो सारी चीज़ें डाल दें इसमें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सारी चीज़ें जैसे पहले डालते हैं ऐसे सारी चीज़ें डालना है। देखो फटाफट से डाल दे रहे हैं, ओरिगेनो डाल दे रहे हैं थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पिज्जे का स्वाद आएगा। चिली फ्लेक्स भी थोड़ा हाथ से थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं, ज़्यादा चम्मच से डालेंगे थोड़ा ज़्यादा कहीं गिर जाएगा, हाथ रहता है इसे उठा के ऊपर से डाल दो। तो इसको हम साइड चेंज कर दे रहे हैं, देखो अभी भी ज़्यादा नहीं पका क्योंकि गैस हम धीमी कर दिए हैं बिल्कुल। तो इस साइड से भी हम घी लगा दे रहे हैं थोड़ा सा। इसको अलट पलट कैसे हम सेकेंगे, एकदम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम सेकेंगे। देखो दूसरा वाला पराठा भी इधर तैयार कर रहे हैं, उधर एक पराठा हमारा बन रहा है। ये पराठा ऐसे है कि इसमें दोनों पराठे का स्वाद आ गया, पराठे का भी पिज्जे का भी, दोनों चीज़ का भी स्वाद आ जाएगा और हेल्थी का, हेल्थी भी है क्योंकि हम गेहूँ के आटे से बना रहे हैं इसको, मैदे से बनाते तो गड़बड़ हो सकती थी। तो देखो पराठा हमारा उधर सीखना है, फटाफट सीख रहा है, थोड़ा टाइम लगता है यार, धीमी गैस पे पका रहे ना तभी अच्छा पकेगा। देखो एक साइड से कितना मस्त दिख रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। इसको भी बेल लेते हैं इसी तरह से फटाफट से, इसे सूखा आटा लगाना है बस, फटाफट से बेल लेना है। देखो इसको हम फटाफट से बेल लेते हैं, देखो ये भी बेल के रेडी हो गया। अदर हमारा पराठा भी सेक के रेडी हो गया, तो इसको हम निकालते हैं। वाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है ना, दिखने में मस्त लग रहा है, देखने में करारा बिल्कुल बन गया, धीमी गैस पे पका हुआ एकदम करारा करारा बनेगा, अंदर से कड़क और बाहर से कड़क और अंदर सॉफ्ट रहेगा, वो खाने में बहुत बेहतरीन लगेगा। तो हम दूसरा वाला भी इसे सेक लेते हैं, थोड़ा सा इसमें गिर गया है पराठा, उसको निकाल दे रहे हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर दे रहे हैं, बिल्कुल धीमा कर दे रहे, नहीं तो फिर जलना शुरू हो जाएगा। इसको भी डाल दिए फटाक से, इसी तरह से सारे पराठों को हम बना के रेडी करूँगी फटाफट से। और बनाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत जल्दी पका लिए और बच्चे तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये बच्चे हमारे कहते हैं मम्मी कैसे बनाए हुए, अभी चलो देखते हैं कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। घी लगा दे रहे हैं इसमें भी दोनों तरफ से,
फटाफट से सेक जा रहे हैं। तो देखो दूसरे साइड पे घी लगा दिए हम। इसी तरह से इसको भी अलट पलट के हम सेकेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम सोचे आपको अच्छी तरह से दिखा दें, ताकि अगर आप बनाना चाहें तो अच्छे से बना पाए, नहीं तो कहीं से होता गड़बड़ हो जाती है कि क्या डाला या कि कितनी देर पका या सेके कितनी देर। इसलिए हम थोड़ा वीडियो रोक रोक के धीमी करके हम बना रहे हैं, तेज़ नहीं करी उसकी रफ्तार। देखो ये भी पराठा रेडी हो गया फटाफट से, पराठा हमारा पकना पक पक के रेडी हो जा रहा फटाफट से। देखो दो पराठे हो गए। इसी तरह हम 6-7 पराठे हम बनाए थे। वाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन दिख रहा है ना, लग रहा ना। देखो अगर आप अपने बच्चों को ना लंच बॉक्स में दोगे ना, तो पूरा चट करके ही आएंगे। देखो हमारा साहिल खाने बढ़िया करा, मम्मी बहुत मस्त बना हुआ, इसके तोड़ रहा है। देखो तोड़ खोलो, बहुत ज़्यादा गर्म है ना इसलिए खुल नहीं रहा। देखो चीज़ अंदर से दिख रही है ना, बहुत बेहतरीन खा रहा था। मम्मी कह रहा कैसे मम्मी बनाए, बहुत मस्त लग रहा खाने में। 2-3 पराठे खा गया ये, राज भी खा लिए, हम भी खा रहे थे। कह रहा मम्मी आप भी खाओ, हमें भी खिलाए थोड़ा से। देखो फटाफट हम तैयार कर दे रहे पराठा। देखो सारे पराठे पके, हम भी खा के आप बता रहे कितना मस्त लग रहा है, बहुत बेहतरीन बन गया है, एकदम लाजवाब। देखो अभी एक बचा हुआ है दो, इसीलिए उसको भी हम सेक रहे हैं। इधर लोग खा रहे, इधर हम सारा पका रहे। देखो सारे थाली हमारी खाली हो गई, सारे पराठे को हम बेल के सेक ले रहे फटाफट, दो बेल के इकट्ठे तैयार कर लिए। तो भाई सब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।